हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीम्बल है दोस्तों, यानी कह सकते हो आपके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे दुनिया में वन ऑफ द लेंथीएस्ट एंड फ्लेक्सीबल कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। सो आज पर्टिकुलरली प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फिलोसफी के बारे में जानेंगे दोस्तों। पर्टिकुलरली इसमें जो चीजें लिखी हुई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, जैसा कि डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेटिव, इन चीजों को डिटेल में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो हैव वी स्टार्ट दिस वीडियो। वेल, हमारा संविधान जो कि बेसिकली नवंबर 26, 1949 में ही रेडी हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन हमारे संविधान को रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया जाता है, इफेक्ट में लाया जाता है, राइट? तो ये दो अलग अलग डेट है। वेल, दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ स्टोरी। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है यानी प्रिपरेटरी जो स्टेटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम लोग कहते हैं प्रीम्बल, राइट? तो इसका जो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947। एंड लास्टली, जैसा कि मैंने बताया आपको, 1950 में इसको इफेक्ट में लाया जाता है। वेल, यहाँ पर प्रिम्बल में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ रहता है दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, राइट? इसके अलावा फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट? सो ये सब चीजें कुछ बताई गई। इसके बाद मैं इन अलग अलग आस्पेक्ट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। वेल, यहाँ पर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, वो 1949 वाला मामला मैंने आपको बता दिया, डू हेयर बाय अडॉप्ट इनएक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर जो सबसे पहला उभर कर जो वर्ड आता है वो होता है दोस्तों सॉवरेन। तो सॉवरेंटी है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंस या फिर सॉवरेन कहने का क्या मतलब है आखिर? वेल, यहाँ पर बेसिकली जब हम डिक्लेयर किया जाता है दैट अल्टीमेट सॉवरेंटी रेस्ट विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट ऑन देयर अथॉरिटी, तो यहाँ पर सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में ही बात की जा रही है, यानी हमारी कंट्री जो है वो आजाद है, सॉवरेन है और हर तरीके से अथॉरिटेटिव है, राइट? सो यहाँ हिंदुस्तान में जो लोग है वो बेसिकली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू इलेक्शंस असेंबल्ड इन द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कहीं ना कहीं डिटरमाइन होता है द पॉलिटिकल डेस्टिनी ऑफ द कंट्री, राइट? तो ये था हमारा सॉवरेंटी। इसके बाद आता है रिपब्लिक। तो प्रीम्बल डिक्लेयर करता है रिपब्लिक को एंड दैट द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर कोई दूसरा सबऑर्डिनेशन नहीं होगा किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी को लेकर, राइट? तो जब से 1949, दैट मीन्स जब से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, अडॉप्ट किया गया, इंडिया एक रिपब्लिक हैसियत से जाना जाता है, राइट? बाय सीजिंग इट्स डोमिनियन स्टेटस, पर्टिकुलरली 26 जनवरी 1950 को विद द कमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया वो उन्होंने सीज किया है टू हैव एनी एलिजेंस टू द क्राउन ऑफ इंग्लैंड एंड टू क्राउन सीज टू एक्सरसाइज एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ओवर द इंडियंस। तो ये था हमारा रिपब्लिक इन शॉर्ट। वेल, अब आता है दोस्तों डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी कहने का क्या मतलब है? कुछ फेमस मामलात और पॉइंट्स उभर कर हमारे दिमाग में आते हैं, जैसा कि अब्राहम लिंकन, उनके हिसाब से जो कहा गया था डेमोक्रेसी के बारे में, द गवर्नमेंट टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, इस तरीके से कहा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यहाँ पर बेसिकली प्रीम्बल जो है वो इन्विसेज करता है इंडिया को एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, नॉट ओनली पॉलिटिकली बट सोशली एज वेल, राइट? सो ये कहीं ना कहीं इट स्टैंड्स नॉट ओनली फॉर अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी है। इन दैट केस डेमोक्रेसी यानी यहाँ पर हम लोग अपने खुद के
गवर्नमेंट को खुद से चुन सकते हैं, अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से हम लोग चुनते हैं इंडिया में, हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर जिस तरीके से सोसाइटी भी, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है लोगों को, अपने खुद के ख्याल को, अपने खुद के आइडियाज को जस्टिफाई हम लोग कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, अलोंग विद द आइडियाज ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है दोस्तों? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेटिक मेथड्स को एप्लीकेबल नहीं माना जाता है, लाइक इनिशिएटिव नॉर रिकॉल, जो के देर आर नो एजेंसीज ऑफ डायरेक्ट कंट्रोल बाय द पीपल, तो उसको कहते हैं दोस्तों रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये मैंने एक अलग एक कैटेगरी मैंने आपको बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब आता है दोस्तों पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा संविधान का जो प्रिम्बल है वो अपहोल्ड करता है द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसका मतलब होता है अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज एंड द कंप्लीट इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन बिफोर लॉ एज वेल एज इन पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल स्फीयर में भी जितने मर्दों को हक मिलने चाहिए उतने औरतों को भी हक मिलना जरूरी है, राइट। तो मेन वुमेन दोनों ही लॉ के सामने में पॉलिटिकल स्फीयर में बराबर है, बिल्कुल। अब इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सो इकोनॉमिक जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर, राइट, बाय मल्टीप्लाइंग द नेशनल वेल्थ एंड रिसोर्सेस, राइट, एंड बाय मींस ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इन सोसाइटी। अब आता है दोस्तों लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या है? हमारा संविधान का प्रीएम्बल मेंशन करता है अबाउट सर्टेन एसेंशियल इंडिविजुअल राइट्स, जो के फ्रीडम के लिए एक एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान के लिए जरूरी है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी देता है इस बारे में, द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये कहीं ना कहीं लिबर्टी के सेंस को उभार कर लाता है सामने। नाउ दोस्तों अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट में इक्वालिटी। तो ठीक उसी तरीके से हमारा संविधान प्रीम्बल इंश्योर करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड करता है किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, राइट, वो अगेंस्ट है किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेटरी एक्टिविटीज को लेकर, बाय द स्टेट बिटवीन सिटीजन्स विच आर नो बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी मजहब के आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्रीड और सेक्स के बेसिस पर किसी भी तरीके से हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं और सबको बराबर मानेंगे और सबको लिबर्टी के बारे में हम लोग मामलों को इन्फोर्स करेंगे। फ्रेटर्निटी, यहाँ डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एसेंस है फ्रेटर्निटी, यानी भाईचारगी दोस्तों, सब आपस में मिल मिलाप जो है ब्रदरहुड कायम करेंगे हम लोग, राइट। सो डेमोक्रेसी वो मीनिंगलेस होगा विदाउट द आइडियाज ऑफ फ्रेटर्निटी। नाउ नेक्स्ट टू दिस आता है दोस्तों हमारा डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो प्रिंबल यहां पर भी इंश्योर कर रहा है द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल विच फर्दर स्ट्रेंथेंस द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसेंस थे एंड फिलोसफी थी कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रीम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।